बस ये कहना चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं. एंड फर्स्टली आप सबको, जितने भी लाइक ऑडियंस, जनता, जितने भी जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया, अपना ब्लेसिंग्स दिया, आप सबको हम दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं. बिकॉज अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते थे, आप हमें अपना वोट्स, अपने लाइक यू नो, अपना प्यार, अपना ब्लेसिंग्स वोट्स के थ्रू नहीं देते थे, तो आई डोंट थिंक पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं था. तो आप लोग को हम लोग बस दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहते. आज कयामत हो चुकी है, हम लोगों ने सब इतिहास बदल दिया है. सो आप बोल सकते हैं आज. बेसिकली जितने भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और हमें वोट्स दिए, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता. तो हमारा सपना पूरा करने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है. अगर ये आप नहीं होते तो हम नहीं. इसलिए ट्रॉफी आप सब लोग के लिए. ओके, एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट आप लोगों का? बहुत अनएक्सपेक्टेड था आई थिंक सो, बट क्योंकि सलमान भैया एंड शांतनु भैया हमारे साथ में थे लाइक यू नो एज अ कॉम्पिटिटर, तो अनएक्सपेक्टेड था. उनका जर्नी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा है. उनका जर्नी, उन्होंने शुरुआत से है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी कि उन्होंने एक पैटर्न बना दिया था, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था झलक का. तो ऐसे लग रहा था कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हम लोग के लिए ऐसा था कि हम लोग को डबल मेहनत था, क्योंकि शांतनु इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, अलीशा इज़ अ ब्रिलियंट कोरियोग्राफर, सलमान उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, और ऐश्वर्या बहुत ट्रेंड डांसर थी. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ये था कि आई हैव टू प्रेजेंट अ डांसिंग भी माइंड ब्लोइंग एंड कॉन्सेप्ट भी. सो हम लोग को किसी ने सोचा, सोच भी नहीं रहे होंगे उन लोगों को, अरे ये लोग तो बीच में आके जीत गए. बट सीरियसली हम लोग के ऊपर डबल प्रेशर था, क्योंकि हम लोग बीच में से इधर, हम लोग को उनका स्टैंडर्ड मैच करना था और उनके आगे जाना था. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के उन लोग को बीट करके हम लोग आगे जाए. गॉड की ग्रेस से ऐसा था कि हम लोग के हर एक परफॉर्मेंस के बाद हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन, 30 स्कोर मिलते थे. तो सो ये आई थिंक सो, अभी बोलने के बाद पब्लिक थोड़ा सोचेगी कि इन लोग को बहुत डबल मेहनत था, क्योंकि सिर्फ और एक तो पहले बच्चे बच्चे कुछ भी करते हैं ऐसा नहीं होता है, उन लोग को मेहनत कराना पड़ता है, उन लोग मेहनत करते हैं, उन लोग को ज़्यादा लगते हैं, उन लोग को समझाना बहुत मुश्किल होता है. ये लोग मैच्योर थे, उन लोग को एक्सपीरियंस उतना था. उन लोग ने, सलमान ने 7-5-6 सीजन किए हैं, शांतनु ही इज़ एन डांसर देन बिकेम एन एक्टर. सो उसने वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप जीता हुआ है. अलीशा इज़ अ फैबुलस डांसर, ऐश्वर्या इज़ अ मतलब माइंड ब्लोइंग ट्रेन डांसर. उन लोग के साथ इनका कॉम्पिटिशन था, ये बहुत मुश्किल था. सामने एज अ कॉम्पिटिटर खड़े होना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था. किसी ने कुछ नहीं सोच, उन लोग को सिर्फ दिख रहा था अरे यार बच्चे हाँ कर रहे ऐसा था, ऐसा नहीं था. बहुत मेहनत हुआ है. इसका सर, अगर आप एपिसोड देखेंगे, उसका सर भी फूटा था, वो ऊपर से गिरी थी. आर्यन को इतना लगता था आर्यन कभी मुँह नहीं खोला, कभी नहीं खोला. सो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी हम लोग की, और फाइनली शायद गॉड ने वो देखा है किसको जो चीज़ें चाहिए, उन्होंने वो दिया है. 100% मैं बोल रहा हूँ कि शांतनु और सलमान को भी भगवान ने कुछ बहुत बड़ा ही सोचा होगा, क्योंकि उसने, मैं उन लोग के लिए बहुत अलग रिस्पेक्ट है, शांतनु के लिए तो बहुत अलग रिस्पेक्ट है. वो बंदा सुबह शूटिंग करता था, रात को रिहर्सल्स करता था, बहुत टूटा फूटा था. मेरे को अलग, और वो मेरा फ्रेंड है बेसिकली अलीशा, और वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है. मैं उनकी हर एक चीज़ मुझे मालूम है कि क्या क्या उन्होंने मेहनत किया है. सो आई लव देम. एंड ऐश्वर्या को तो हम लोग देख रहा था कि उसका हाथ निकल गया, वो बीमार पड़ रही थी. सो अलग रिस्पेक्ट है, उन लोग का अलग मेहनत है, पर गॉड कभी इनजस्टिस नहीं करता किसी के साथ. सो उसने जो भी किया है वो कुछ सोच के किया है, वो हर एक चीज़ जो होती है वो माइंड ब्लोइंग ही, उसके उसका प्लान किसी को नहीं मालूम है. सो जो भी होगा उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हम लोग के लिए, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि 14 साल के स्ट्रगल के बाद मुझे एक ट्रॉफी हाथ में आई है. सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड आज फाइनली ट्रॉफी हमारे हाथ में आने के बाद जो सारे दर्द प्रैक्टिस करते वक्त लगती थी, वो सारे दर्द खत्म हो गए, बिकॉज ट्रॉफी हाथ में है तो ऑफ कोर्स.